हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर वैल्यू एजुकेशन चैप्टर इन योर ब्लूम बुक चैप्टर 4। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इनडीड। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मुसीबत में काम आता है, जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ देता है। बी अ ट्रू फ्रेंड। तो हमें कैसा फ्रेंड होना चाहिए? ट्रू, सच्चा। इट वॉज मिड डे, दोपहर का समय था। द क्लॉक हैड स्टक 2:30। दिन के 2:30 बजे थे, मतलब दिन का समय था। समर्स मोबाइल रैंग। ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। समर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। ही वॉज होस्टलर। हिज डिस्टेंट आंट यूज टू सेंड हिज मनी टू मीट हिज एक्सपेंसेस। समर का मोबाइल रैंग करता है, मतलब समर के फ़ोन पर कॉल आती है। वो स्कूल से वापस ही आया था और वो क्लास 2 में था। और वो क्या था? हॉस्टलर। हॉस्टलर कौन होता है? जो घर पर ना रहकर बाहर पढ़ने जाता है, अलग से रूम लेकर रहता है। कॉलेज में हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो रूम लेते हैं, ऐसे ही ये जो समर था ये भी बाहर पढ़ने गया था और रूम लेकर रहता था वहाँ पे। हॉस्टलर था। और उसकी जो दूर की आंटी थी वो उसको मनी देती थी उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, खर्चे जो होता था वो पैसे देती थी उनकी आंटी। ही वॉज रिलीविंग हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। अ फेंट पिक्चर रोज बिफोर हिज आईज। ही वॉज हार्डली अ ईयर ओल्ड। ही वॉज इन हिज मदर्स लैप। शी वॉज गोइंग टू अ टेम्पल। इट वॉज अ फेस्टिवल दैट डे। वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था कि तभी एक ऐसी पिक्चर उसके सामने आई आंखों की जो बिल्कुल बेहोश कर देने वाली थी। तब वो बहुत छोटा था जब वो सोच रहा था, जो पिक्चर उसके सामने आई थी। अबाउट 1 ईयर ओल्ड था वो। ही वॉज इन हिज मदर्स लैप। वो किसकी गोदी में था? अपनी मम्मी की गोदी में। और उनकी मम्मी टेम्पल जा रही थी क्योंकि उस दिन फेस्टिवल था और फेस्टिवल पे मोस्टली क्या होता है, हम लोग टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अ कार केम फ्रॉम बिहाइंड। द रेकलेस ड्राइवर रन ओवर देम। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेम्बर्स वॉज क्राइंग रिलेंट Leslie. His father had also been killed by some dacoits. एक कार पीछे से आई और उनको उनके ऊपर चढ़ा दी और उनकी मम्मी की वहीं पर डेथ हो गई। मतलब बिल्कुल लापरवाह ड्राइवर, रेकलेस मतलब लापरवाह ड्राइवर आया और आकर उनके ऊपर कार चला दी। सबसे दूसरी बात सोचने की थी कि वो रोने लग रहा था ये सोच के कि उनके पापा को भी मार दिया था डाकुओं ने। तो मतलब ना तो उनकी मम्मी रही है, ना समर के पापा। A lady picked him up and brought him home. एक लेडी ने समर को उठाया और अपने घर लेकर आ गई। वो जो लेडी लेकर आई थी उनको एक बेटी थी, उनका नाम था विदिशा। Her husband was sad yet overjoyed when she recounted the story. जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी वो खुश होने की बजाय सैड थे। खुश इसलिए होना चाहिए था उनको बेटा मिल गया, और सैड इसलिए थे क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड थी समर की। शी जो उसकी मम्मी थी वो लेकर आई थी समर को, और जो जो समर की जो आंट थी जो लेकर आई थी उनको एक बेटी थी विदिशा। ही हैड गॉट अ सन। विदिशा वॉज ऑल्सो ओवरजॉयड। शी हैड गॉट अ ब्रदर। अब पापा को तो एक बेटा मिल गया और विदिशा को एक भाई। 5 ईयर्स पास्ड अवे। 5 साल बीत चुके थे। सीन्स ही वॉज टू यंग टू गो टू स्कूल ऑल बाय हिमसेल्फ। वो बड़ा हो चुका था खुद स्कूल जाने के लिए। दे एडमिटेड हिम टू अ हॉस्टल। वो कहाँ पे एडमिट करा? उसका एडमिशन हुआ हॉस्टल में। ही प्रेस द बटन एंड सेड। जो वो फ़ोन, अभी मैंने ये बताया कि ये स्टोरी तो बेटा वो है जो समर सोच रहा था, बता रहा था अपने मन में। लेकिन जो स्टार्टिंग की लाइन थी कि समर्स मोबाइल रैंग, कि उसका फ़ोन बजता है। अब वो फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो, तो वहाँ से वॉइस आती है हेलो भैया। विदिशा वीपिंग। वो कॉल जो होती है वो विदिशा की होती है, उसकी सिस्टर की। वो रो रही होती है। पापा हैज़ बिन किडनैप्ड एंड किल्ड। पापा को किसी ने किडनैप कर लिया और मार दिया। वॉट एक्सक्लेम्ड समर। समर ने एकदम से सरप्राइज होकर पूछा कि क्या? येस ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो। His dead body is lying in the bushes, Vidisha said. Vidisha ने बोला कि उनकी dead body झाड़ियों में पड़ी है। Last night, 2 strangers came in and hit mother on the head with a club.
शी वॉज ऑन द फ्लोर ब्लीडिंग एंड वीपिंग शी एडिड. उन्होंने बोला कि लास्ट नाइट दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी आए थे और उन्होंने मम्मी के सर पे मारा और मम्मी फ्लोर पे गिर गई और मम्मी को बहुत ब्लीडिंग हुई. वो रो रही थी जब बता रही थी. समर वॉज डिवास्टेटेड. समर ये सुनकर बहुत बुरी तरह बिखर गया. अगर आप कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हो कि कुछ ऐसी सैड न्यूज़ भी सुनते हो तो तुम लोग एकदम से एक्साइट वो जाते हो, एक्सक्लेम में बोलते हो, क्या ऐसे बोलते हो ना तो ऐसी. और जब तुम कोई किसी की दुख की खबर सुनते हो तो हम लोग एकदम से सैड हो जाते हैं. तो ऐसे ही समर हो गया. डू समथिंग टू सेव अस. विदिशा ने रोते हुए बोला कि हमें बचा लो. सिस्टर आई एम रीचिंग देयर विद इन एन आवर विद माई फ्रेंड ही इज़ पाइथन. समर ने बोला कि बहन चिंता मत करो, मैं कुछ ही घंटों में अपने फ्रेंड के साथ आ जाऊंगा. और उसके फ्रेंड का नेम था पाइथन. ही इज़ अ पाइथन. सम पीपल आर ट्राइंग टू ब्रेक ओपन आर शोरूम. कुछ लोग ट्राई कर रहे थे शोरूम को तोड़ने का. दे हैव मिसगाइडेड द मूव एंड टर्न इट अगेंस्ट अस. मूव मतलब जो वहाँ की भीड़ थी, उनको भी जो शोरूम को तोड़ रहे थे उन्होंने भीड़ को भी ऐसे गुमराह कर दिया कि उन्हीं के अगेंस्ट कर दिया कि वो भी कुछ नहीं बोले. बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, उसने बताया. समर वेंट इन द स्टोर रूम. समर स्टोर रूम में गया. उसका फ्रेंड था वहाँ पे पाइथन, जो वहाँ पे लेटा हुआ था. समर ने उसको बचाया था एक दिन, इसलिए वो उसका फ्रेंड बन गया था कि कुछ लोग उसके ऊपर स्टोन्स पत्थर फेंक रहे थे. तो समर ने वहाँ पे उसको सेव किया था, इसलिए वो उसका फ्रेंड हो गया था. सीन्स देन दे बिकम फ्रेंड्स. सबसे वो दोस्त हैं. द पाइथन हैड नॉट ईटन इन अ वीक. पाइथन ने उसको हफ्तों में भी नहीं खाया. देयरफोर ही वॉज टू हंग्री. जबकि वो बहुत भूखा था तब भी उसने समर को नहीं खाया. क्यों? क्योंकि वो उसका फ्रेंड हो चुका था, उसने उसको सेव किया था. क्योंकि जब हम किसी की जान बचाते हैं एनिमल की, तो वो देखना वो हमारे हमारा फ्रेंड बन जाता है. अगर हम किसी एनिमल को डेली अगर बिस्कुट भी देना डॉग को, तो वो डेली आपके घर के बाहर आएगा और आप कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा. समर सेड टू हिज फ्रेंड. समर ने अपने फ्रेंड को बोला कि फ्रेंड कम अलॉन्ग, आई विल रैप यू इन अ ब्लैंकेट सो दैट यू कैन कम्फर्टेबली लाई एट माई फीट. कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक ब्लैंकेट में रैप कर देता हूँ और तुम कम्फर्टेबली मेरे फीट पर बैठ जाना. ही टुक द फर्स्ट ई रिक्शा ही कुड फाइंड एंड लेफ्ट फॉर हिज हाउस. उन्होंने रिक्शा देखी और वो घर के लिए निकल गए. दे रीच द स्पॉट. वो उन जगह पर पहुँच गए जहाँ पर शोरूम को तोड़ा जा रहा था. वन पर्सन वॉज ट्राइंग टू ब्रेक अ लॉक. एक पर्सन तो ट्राई कर रहा था लॉक को तोड़ने का. टू वर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. दो उसके पीछे खड़े थे. अ ग्रुप ऑफ 10 or 12 वर इंजॉइनिंग द सीन. जो ये 12-13 लोग वहाँ पे खड़े होकर इंजॉय कर रहे थे. देखना अगर हमारे नेबर में लड़ाई होती है तो क्या होता है, पूरी गली इकट्ठी हो जाती है और सब लोग कुछ बोलते नहीं है लेकिन लड़ाई का मज़ा लेते हैं. तो ऐसे ही वो सब लोग देख कर इंजॉय कर रहे थे ये सीन. समर्स अनफोल्डेड द ब्लैंकेट. समर ने वो ब्लैंकेट को हटाया. द पाइथन केम आउट. पाइथन उसमें से बाहर निकला. द पाइथन रेज्ड हिज हुड एंड लुक एट द पीपल. पाइथन ने हुड हटाया और लोगों को देखा. देन ही हिस्ड. और वो हिस करने लगा. साउंड आती है ना स्नेक की, हिस ऐसे. एज सून एज द क्राउड सा द पाइथन. जल्दी पाइथन को देख लिया जो वहाँ पर भीड़ थी. क्रीपिंग टूवर्ड्स दम एवरीबडी रन अवे. पाइथन उनकी तरफ रेंग कर जाने लगा, क्योंकि जो स्नेक वगैरह होते हैं, अजगर वगैरह होते हैं, वो रेंग कर जाते हैं क्रीप करके. तो लोग बाग भागने लगे. एंड देन द पाइथन क्रीप टूवर्ड्स दोज हु वर ट्राइंग टू ब्रेक द लॉक. अब पाइथन उनकी साइड गया जो लॉक तोड़ रहे थे. वन ऑफ देम फ्लेड अवे स्क्रीमिंग बट टू ऑफ देम कुड नॉट. एक तो डर के भाग गया लेकिन दो वहाँ पर रह गए. वन सेड वॉज इन द पाइथन्स माउथ. एक का जो हेड था वो पाइथन के मुँह में था. एंड द अदर वॉज कोइल्ड इन हिज टेल. और दूसरे का उसकी पूंछ में लिपट गया था. सून बोथ ऑफ देम डिसअपीयर्ड इनटू द पाइथन्स बेली. जल्दी दोनों के दोनों पाइथन की बेली में चले गए. पाइथन ने उनको निगल लिया. समर्स कन्वेड द मैसेज टू विदिशा. समर ने विदिशा को मैसेज कन्वे किया. विदिशा केम ऑन हर फ्रेंड्स टू व्हीलर. कि अपनी फ्रेंड के टू व्हीलर पर आ जाओ. शी अनलॉक्ड द शोरूम. द पाइथन एंटर्ड द शोरूम. उसने शोरूम को अनलॉक किया और पाइथन को अंदर भेजा. समर ने बोला कि माई डियर फ्रेंड यू वुड लिव इन दिस शोरूम अंटिल आंटी रिकवर. कि जब तक आंटी रिकवर ठीक नहीं हो जाती तुम इसी यहाँ पर रहो, इसी शोरूम में. द पाइथन हिस एंड अंडरस्टूड वॉट इट हैड टू डू.
पाइथन ने हिस करके उसका आंसर दिया, जैसे कैट होती है ना म्याओ करती है, ऐसे ही पाइथन ने हिस किया। विदिशा ने बोला, मिस्टर पाइथन, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यू आर आर ट्रू फ्रेंड। जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम बोलते हैं ना कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो, क्योंकि ट्रू फ्रेंड कौन होता है जो आपके बुरे टाइम में आपका साथ देता है। एंड आई एम प्राउड आई गॉट अ ब्रदर लाइक समर, और मुझे बहुत गर्व है कि मेरा भाई है ऐसा समर जैसा, मेरा इतना अच्छा भाई है। यस ही इज़ आर ट्रू फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। समर ने बोला कि हाँ ये मेरा सच्चा दोस्त है, क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। आंटी रिकवर्ड इन अ वीक, आंटी जल्दी ठीक हो गई। शी बिगेन टू रन द शोरूम, पीपल बिगेन टू पे देयर रेस्पेक्ट टू आर ट्रू फ्रेंड, दे स्टूड इन लॉ क्वींस टू प्रेजेंट गिफ्ट टू आर ट्रू फ्रेंड। अब बेटा देखो, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि आंटी भी रिकवर हो गई, जल्दी शोरूम चलाने लगी, हमें अपने ट्रू फ्रेंड की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बेटा ट्रू फ्रेंड हर किसी को जल्दी नहीं मिलता। फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड दैट टाइज ह्यूमन बींग टुगेदर। एक फ्रेंडशिप एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है जो ह्यूमन को एक दूसरे से बांध कर रखती है। प्लेमेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, बट हर कोई हमारा ट्रू फ्रेंड नहीं होता। ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड। सो बी आर ट्रू फ्रेंड। थैंक यू।